हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर आल्सो गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास 7। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपका टेस्ट पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। पहला टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया था और मैंने ये कहा था आपको क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करने हैं, जो कि आपको अपने कॉपी में लिखना था। तो इसको आपने सॉल्व किया है, लेकिन किसी की अभी तक पेपर की जो आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन आंसर जहां पे आपने लिखा है उसकी फोटो क्लिक करके आपने किसी ने मेरे नंबर पे सेंड नहीं की, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं ये चाहती हूं कि आप सब लोग वन बाय वन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको जहां भी जिस कॉपी में आपने सॉल्व किया है उसको आप सेंड करिए। मैं भी देखूंगी, चेक करूंगी कि इसने कैसा क्या किया है, सही किया है या गलत, तो फिर मैं बताऊंगी कि आपने सही किया है या गलत किया है। और आज हम टेस्ट पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये तीन क्वेश्चन है ए बी सी, इसको हम सेंटेंस पढ़ेंगे, उस बेस पे हमको तीनों ऑप्शन में से जो करेक्ट है उस पे टिक करना है। व्हाट इज द कलर कोड फॉर व्हाइट कलर इन एमएसडब्ल्यू लोगो में व्हाइट कलर का कोड क्या होता है? और आपको पता है व्हाइट कलर का कोड 7 होता है और आपके टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। सेकेंड है वेयर इज अंडू ऑप्शन प्रेजेंट। अंडू ऑप्शन कहाँ पर उपस्थित होता है, ये भी टेस्ट पेपर में आपके आया हुआ था। तो इसमें से 3 ऑप्शन में से एक भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। थर्ड है विच की इज प्रेस फॉर ए स्लाइड शो। कौन सी ऐसी की है जिसको हम स्लाइड शो के लिए दबाते हैं या यूज करते हैं? तो आपको पता है F5। सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको पढ़ने हैं और जो सही है उसके सामने टिक का निशान लगाना है और जो रॉन्ग है उसके आगे क्रॉस का। ए है वंस यू सेलेक्ट ए स्लाइड लेआउट यू कांट चार्ज इट। आप जब सिलेक्ट करते हैं स्लाइड लेआउट को तो यू कांट चेंज इट, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आप इसे बदल नहीं सकते हैं। क्या ऐसा है? नहीं है, बदल सकते हैं आप, इसलिए ये क्रॉस का निशान लगाना है, आपको क्रॉस करना है। बी है बाय इज यूज टू एग्जिट लोगो। बाय जो है ये एग्जिट लोगो के लिए यूज करा जाता है, लोगो जो होता है एग्जिट का उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या ऐसा है? तो हाँ ऐसा है, तो आपको टिक का ऑप्शन आपको टिक करना है। और सी है कलर कोड 3 इज यूज्ड फॉर ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के लिए 3 कलर कोड यूज किया जाता है, क्या ऐसा है? तो ये गलत है स्टूडेंट, 0 कोड यूज किया जाता है ब्लैक के लिए, इसलिए ये रॉन्ग है, तो आपको क्रॉस करना है। डी ऑप्शन है ट्रेजर्स प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ट्रेजर्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक लिस्ट सिनोनिम्स की एंड एंटोनिम्स की। क्या ये सही है? हाँ सही है, तो इसको टिक करना है। और ई है यू कांट एडिट ए स्लाइड इन द स्लाइड पैन। क्या आप स्लाइड पैन पे एडिट नहीं कर सकते हैं? तो हाँ सही है कि आप एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकने वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी आपको क्रॉस का निशान लगाना है। अब चलिए यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है द कमांड इज यूज टू लिफ्ट ही पेन द ऑफ द टर्टल। तो यहाँ पे हमें पिन अप फिल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा द पिन अप कमांड। पिन अप कमांड जो होता है वो लिफ्ट
छोड़ देता है ऐसी जगह पे यूज होता है जहां पे कहते हैं कि पेन ऑफ द टर्टल को छोड़ देता है। बी है कंट्रोल एक्स इज द शॉर्ट की ऑफ फॉर, शॉर्ट की किसकी है कंट्रोल एक्स, आपको पता होगा कट का, कट के ऑप्शन के लिए शॉर्ट की क्या होती है कंट्रोल एक्स। सी है वर्ड हैज एंड इन बिल्ट डिक्शनरी कार्ड, संसार वर्ड सॉरी वर्ड अक्षरों के लिए जो डिक्शनरी बनाई जाती है अक्षरों के ज्ञान के लिए वो क्या कहलाती है ट्रेजर्स। डी है नोट्स पेन इज आल्सो नोन एज, नोट्स पेन जो है वो भी एक तरीके से जाना जाता है तो क्या स्पीकर्स नोट्स के लिए, किसके लिए स्पीकर नोट्स के लिए। ई है द यूजर नेम इज फॉलोड बाई ए सिंबल्स, यूजर नेम जो होते हैं वो सिंबल ए के लिए फॉलो होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे फोर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके भी आंसर आपको, ये आपका होमवर्क है और इसके आंसर आपको खुद ही कॉपी से या बुक से आपको सर्च करने हैं और उसको आपको कॉपी में लिखना है और ये सब आप बुक में फिल करेंगे, कॉपी में नोट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर ओनली क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में फिल करना है, नोट करना है सॉरी नोट करना है और आपको उसकी पिक क्लिक करके हमको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, मैं चेक करूंगी कि आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।